पूरी दुनिया में भारत देश अपनी विशालतम संस्कृति के लिए विख्यात है। इसी भारत के एक राज्य उत्तर प्रदेश के बीचों बीच स्थित है एक प्रांत, अवध प्रांत। मेरा समस्त प्रतापगढ़ परिवार, मैंने आज तक राष्ट्रीय भावना और जनता की सेवा को प्राथमिकता दी है, जिसकी प्रेरणा मुझे बचपन में मेरे पिता ने दी थी। मुझे जब जब आपने सेवा का मौका दिया है, मैंने उसे तहदिल स्वीकारा है और मैं चाहती हूँ कि आप मुझ पर ऐसा ही विश्वास और स्नेह बनाए रखें, जिससे कि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं और अपने जनपद प्रतापगढ़ का चौमुखी विकास कर सकूं। राजकुमारी रत्ना सिंह, महिला सशक्तिकरण परिषद भारत सरकार नई दिल्ली की अध्यक्षा एवं अनेक शिक्षण संस्थाओं की संचालिका हैं। आप 3 बार संसद सदस्य रह चुकी हैं। उद्योग शून्य जनपद प्रतापगढ़ में कृषि पर पूरी तरह से निर्भर जनता को ध्यान में रखते हुए कृषि को बढ़ावा देने व किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सन 1999 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कृषि मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र अवधेशपुरम ऐठू की स्थापना की। इसकी स्थापना के लिए 50 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजकुमारी रत्ना सिंह ने अपनी व्यक्तिगत जमीन देकर इसे स्थापित करवाया। राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना मैंने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए किया है। इस कृषि प्रधान जिले में हम सबका जीवन तभी सुदृढ़ कर सकेंगे जब किसानों का जीवन समृद्ध हो। इस कृषि विज्ञान केंद्र में किसान भाइयों को निःशुल्क परामर्श, आधुनिक तकनीकी से खेती करने का प्रशिक्षण तथा बेरोजगार नवयुवक एवं नवयुवतियों को रोजगार परक व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ ही साथ उन्नत प्रजातियों के बीज, कीटनाशक एवं खरपतवार नाशी दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा अब तक लगभग 16 प्रकार की कृषि तकनीकियों को किसानों तक पहुंचाया गया है। आधुनिक कृषि तकनीकियों को अपनाकर किसान भाई एवं बहनें अधिकतम कृषि उत्पादन प्राप्त कर अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा रहे हैं। देश की आजादी के बाद प्रतापगढ़ पूरी तरह कृषि पर आधारित जिला था। यहाँ के लोगों की जिंदगी खेती पर ही जुड़ी हुई थी, लेकिन एक बदकिस्मती थी हमारे प्रतापगढ़ की कि हमारे पास पैदावार बहुत कम थी। राजकुमारी रत्ना सिंह की मैं तारीफ करूंगा कि उन्होंने यहाँ पे राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र जब से खुला है, जिले की तस्वीर बदल गई। एक तरफ पैदावार दुगनी हो गई, जहाँ 2 फसलें होती थी वहाँ 3 हो गई। और यही नहीं, उन्होंने जो नई तकनीकें आई, खास तौर से जुताई की, बुआई की, उससे लागत कम हो। एक तरफ लागत कम हुई, दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ा, इससे किसान की जिंदगी में खुशहाली आई। मैं समझता हूँ कि कैश क्रॉप यानी कि आदमी की खेती को उन्होंने सीधे पैसे के ज़्यादा पैसे कमाने से जोड़ा और मुर्गी पालन ये सारी चीज़ें करके राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करके राजकुमारी रत्ना सिंह ने प्रतापगढ़ का बहुत उपकार किया है, बहुत भला किया है। जो लोग प्रतापगढ़ छोड़ के शहरों की ओर जा रहे हैं अब अपने गांव में रुकने लगे हैं। राजकुमारी रत्ना सिंह ने जनपद वासियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उनकी मदद के लिए शहर तथा ग्रामीणांचल में अपने प्रयास से राष्ट्रीयकृत बैंकों की कई शाखाएं भी स्थापित कराई हैं। हमारे किसान भाइयों और बहनों की आर्थिक सुविधाओं को ध्यान में रख के हमने बैंकों का जाल फैलाया है, जिससे उन्हें पैसा सुरक्षित रखने के साथ ही किसान ऋण और शिक्षा ऋण आसानी से मिल सके। राजकुमारी रत्ना सिंह
प्रतापगढ़ का बहुमुखी विकास चाहती हैं। इसीलिए इन्होंने न सिर्फ किसान बल्कि महिला सशक्तिकरण के लिए भी कई काम किए हैं। महिलाओं अपने पैरों पर खड़े हो सके और अपनी जीवन स्तर ऊंचा कर सके, उसके लिए मेरी माँ जी राजकुमारी रत्ना सिंह हमेशा प्रयास करती हैं। तरह तरह की ट्रेनिंग और आर्थिक सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती हैं। महिलाओं के लिए माँ जी की विशेष सहानुभूति को मैंने महसूस किया है। उनके साथ मिलकर मैं भी हमारी बहनों और मौसियों की मदद करती हूँ, जिससे वो एक बेहतर जीवन जी सके। इन्होंने सिलाई बुनाई आदि के प्रशिक्षण और बुनकर कारोबारियों का 50 लाख तक का बीमा भी कराया है, जिससे महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सके तथा सर उठाकर जीने के साथ ही साथ अपने घर को अच्छी तरह से चला सके। जब तक हमारी बहनें आत्मनिर्भर नहीं होंगी, तब तक देश का विकास सही रूप से नहीं हो पाएगा। मेरा प्रयास है कि हमारे प्रतापगढ़ की हर बहन शिक्षित और आत्मनिर्भर हो और आत्मसम्मान के साथ जिए और देश के विकास में भागीदार बने। उन्होंने 1906 से खुले हनुमंत इंटरमीडिएट कॉलेज काला कांकर और 1966 से खुले मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय काला कांकर का पुनरुद्धार करके अपने पिता राजा दिनेश सिंह का सपना पूरा किया। रानी नीलिमा कुमारी शिशु मंदिर काला कांकर, अवधेश विद्या निकेतन इंटर कॉलेज लालगंज, अवधेश इंटरमीडिएट कॉलेज धारूपुर तथा रानी नीलिमा कुमारी बालिका महाविद्यालय धारूपुर आदि अनेकों स्कूल कॉलेजों का निर्माण कराया। साथ ही साथ जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न विकास खंडों में स्थित शिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण एवं विकास के लिए सांसद निधि से लगभग 3 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए। जनपद के सभी भाइयों एवं बहनों की स्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपनी निजी भूमि देकर कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना कराई तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत जिले के हर विकास खंड को एम्बुलेंस सुविधा के साथ दवाइयां उपलब्ध कराई, ताकि जिले का कोई भी नागरिक बिना इलाज न रहे। राजकुमारी रत्ना सिंह ने अनेकों मुश्किलों के बावजूद प्रतापगढ़ शहर से होते हुए रायबरेली जौनपुर नेशनल हाईवे का निर्माण तथा चिलबिला रेलवे ओवरब्रिज, भूपिया मऊ फ्लाईओवर ब्रिज, रामापुर ओवरब्रिज आदि के निर्माण के लिए धन को स्वीकृत कराया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का क्रियान्वयन किया। प्रतापगढ़ शहर में जोगापुर से सदर मोड़ तक डिवाइडर के निर्माण के लिए धन को स्वीकृत कराया। मैंने अपने नाना जी और माता जी को हमेशा ही प्रतापगढ़ के हित करते देखा है। हमारे भाइयों को खेती के सही संसाधन के साथ ही साथ उचित परामर्श व प्रशिक्षण मिले, इसके लिए मेरी माता जी राजकुमारी रत्ना सिंह जी ने राजा दिनेश सिंह कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना करवाई। उनके इस प्रयास के कदर करते हुए मैं और भी आधुनिक तकनीकियों के साथ साथ इसको आगे बढ़ाता रहूँगा और आप सबके हित के लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा। नवीनतम विकास के साथ ही साथ इन्होंने पुरानी धरोहर को सहेज कर इतिहास को संभालने का भी काम किया है। इन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए कई पर्यटन स्थलों का सुंदरीकरण करवाया तथा धार्मिक स्थल जैसे बाबा बेलखरनाथ धाम, शनिदेव धाम, चौहरजन देवी का धाम एवं सबाना बाबा की मजार आदि के रखरखाव व सुंदरीकरण के लिए केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा धन को स्वीकृत कराकर आवंटन करवाया। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत लगभग 300 करोड़ रुपए प्रतापगढ़ के विकास हेतु स्वीकृत एवं आवंटित कराया। नीमा गोपालपुर में 35 लाख रुपए सांसद निधि से अवमुक्त कराते हुए रेलवे हॉल्ट का निर्माण कराया। मोबाइल नेटवर्क को अधिक प्रभावी बनाने के लिए दूरभाष क्षेत्र में
लगभग 40 BTS प्रतापगढ़ जनपद में स्थापित करवाए। प्रतिवर्ष जुलाई में विकलांग जनों के लिए निःशुल्क ट्राईसाइकिल और बैसाखी बांटती हैं। विकास और समृद्धि की ऐसी उच्च भावना लिए हुए राजकुमारी रत्ना सिंह अनवरत प्रयासरत हैं। आप सभी उनकी इस विकास यात्रा में हिस्सेदार बने। वो पूरी जनता, बुद्धिजीवी, पत्रकार व अन्य समाज के लोगों से शुभाशीष की कामना रखते हुए अपने कर्तव्यों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं और आगे भी वो हमेशा अपने इसी प्रयास को अंजाम देती रहेंगी।